मैंने जा समझी जे भैया सो मैं उनके पास गए, मैंने कहा भाई साहब आप विश्वास नहीं मानोगे, झूठ नहीं कसम से बता रहा हूं, मैंने अजय भैया मैंने लड़का समझ के कसम परिवार के लड़का समझ के मैंने कहा भाई साहब जब रास्ता का पकड़िया को गई सो भाई साहब बोले ही नहीं। अरे मैंने कहा भैया तुम्हें से पूछ रहे यार रास्ता का पकड़िया को गई सब उनने सत्य से रुपट्टा से मुंह खोलो कि हम तुम्हें भैया दिखाई देते हम तुम्हें भैया दिखाई देते। हमने कहा बहन जी माफ करियो, हमें कहा मालूम है भाई साहब के भीतर बहन जी बैठी जाती है। हमें नहीं मालूम कि भाई साहब के भीतर बहन जी बैठी जाती है। अच्छा तो भैया बोले हमें तुम्हारी बुद्धि सही करवा दे तो हमने के शामिल भाज भैया बिना मान के बचे रहे। तब देखो ऐसा है नहीं होना चाहिए, बताया है ये कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों कि ससुर मई के में चलियो समहारी के ससुरे में काटी धर्मराज जब लेखा मांगे उनको कहा बताइयो कर कर याद करम अपने के तब आंसू ढल कयो मायके में चलियो संभाल के ससुर काटी। ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोता श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। आज सत्राजित के मन में बात आई हम नहीं बताएंगे। सत्राजित की नारी रोने लगी और जब रोने लगी तो सत्राजित को दया आ गई, बात बता दी। और जब बात बता दी है तो एक बात बताएं, हमारी माताओं के बहनों के पेट में पानी की तो बात की तो बात छोड़ो, पानी तक नहीं मिला। और सत्रह जत्र जैसे ही बताई सुबह के पेट को बहू का उठन लगो अब मकान है। सो रात के 3 बजे वह उठी और गगरिया को कुआं पहुंची भरे धड़का दो 3 बजे कौन दो घंटा का नाटक कतरी। तब तक एक सहेली आई सो कहने लगी यार जीजी बड़ी जल्दी पानी भरने को आई, जीजी बड़ी जल्दी पानी भरने को, जीजी पानी का भरने को आई, जीजी पानी का भरने को आई। सिंटू के पापा चले गए थे रामनगर तो हुन से अभी आने आए संध्या को चटनी बनाए लाश समझा से खाने जीजी प्यास लगे, जीजी प्यास लगे जिजी कम कही बातें चले चले घूमती कही कौन जिजी देखो मड़ी के चक्कर में प्रसेन को बद कदाइया ने कदाओ सो बिन्ने अपनो पेट को बहु का भोरो पे तो भरे गई और जिनने सुनी अब उनके पेट में बात खड़बड़ खड़बड़ भरी अब मक्का मक्का में सो तुरंत ही उठी ए चिची काओ लल्ला तुम्हारे सुबरे कंचली ले आओ तो चिची कंचली ले आओ आज बिना कंचली की रोटी करी सब हाथ चली गया सब हाथ चली तो चटकी कहा जा रही गोइया जाकर कंचली धरी ले जाओ ले जाओ। चिची कंचली वाली बात थोड़ी नहीं जानी जिजी कहियो कौन न कहे कहे बातें चले चले घूमती चले हमाओ तुम्हाओ प्याओ ये कहीं संग भाव आते के ना तुमने कम कही हमारी अल्लाह हमने कही तुम्हारी कहीं गो कहीं गो होई कचन नहीं गो मड़ी के चक्कर में फिर से न को बंद कर लिया ने करता हो सब मठा पाती दिन मठा हैं बिन्ने कंचली ले घरे गए अपने और बिन्ने मठा आधोई फिरो छोड़ दो और बे उठी दूसरे घरे ओ चची का देखो तुम्हारे ए सिंटो के पापा देखो माचिस उठाए ले गए सची जी चूने चर बैग ले घरे आ गए नहीं घरे आ चना नहीं घरे आ चना ने कहे सो करो आ गई दे देवा रुके तो जा ने कहिया धो ले अरे कहिया धो ले चची गई कहिया धो ले तुम्हारे पर है कछु जानी सुबह धीरे से कही जी जी तुमने कछु जानी बोली हमने कछु नहीं जानी अरे जानी कहियो कौन जी जी तुम्हें मिली ललन के सब हो तुम्हें मनाई के सब हो कही कहे कहे बड़ी के दीवाने चल जाती है सही सहारा करा तो मड़ी मन के चक्कर में फिर से दूर बद कदाइया ने कहता हूं ए अब फिर चुगली करे में लगी अब तलो कतरिया गले में घुसी को मुठा में झपर झपर ए सुबह से और शाम जब तक भाई पूरी दोहरिका में आग सी लग गई कि प्रसेन का बध कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में कर दिया। और एक बात बता दें पूरे गांव में अगर बात फैलाए वो जाओ तो अपनी पत्नी से बात बताइयो और पीछे जा जरूर कह दियो कि कहियो कौन
फिर देखो बात कितनी जोर मिले भैया। जब ये बात गुप्तचरों द्वारा भगवान कन्हैया को मालूम हुई है कि हमारे ऊपर कलंक लग गया कि हमने मणि के चक्कर में प्रसन्न अवध कर दिया, भगवान मणि को खोजने के लिए निकले, जामवंत की गुफा में पहुंचे, जामवंत और कन्हैया में लड़ाई हुई, अंत में भगवान ने जामवंत को परास्त कर दिया, तो जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ में किया और वो मणि दान में दे दी। कितने हो गए? तीन। और जब मणि भगवान लेकर के आए और वो मणि सत्राजित को दी तो शर्म से सत्राजित ने अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया और मणि फिर भगवान को दान में दे दी। कितने हो गए? चार। और पांचवा विवाह भगवान का कालेंद्री के साथ हुआ था, पांचवा। और छठवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ और सातवां विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ, आठवां विवाह भगवान का सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। राधा नौ हो गए, भक्ति में राधा निकल जाती है, बचती हैं आठ। अब आ जाइए आधी। आदि मालूम कौन थी? आदि थी कुबजा। अब सुनो लोगों ध्यान से, ये कुबजा थी कौन? ये कुबजा जो थी ये त्रेता में सूपनखा थी, सूपनखा। और सूपनखा पहले कौन थी? सूपनखा ये शेषनाग लक्ष्मण की पत्नी थी, शेष नागनी। इसका प्रेम एक साधारण नाग से हो गया तो ये भानु प्रताप राजा ने शेष नाग को बताई। शेष नाग ने कहा कि हम इसके नाक कान काट लेंगे अगर इस तरीके से बात है। और जब देखा है नागनी ने कि शेष नाग नाराज है, आज वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो सर पटक पटक नागनी खत्म हो जाती है नागराज की, नाग भगवान की वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती है। नागनी मर करके सूपनखा बनी, लक्ष्मण शेष नाग थे तो उन्होंने वरदान पूरा करने के लिए नाग और कान काट लिए थे और वही सूपनखा मर करके कहां गई? द्वापर में कुबजा बनी। और इसका मन दो जगह था, ये कभी राम के पास जाती थी और कभी लक्ष्मण के पास। तो भगवान ने वरदान किया था कि अगले जन्म में तुम हम दोनों भाइयों की आधी आ गया। तो कुबजा जो है भगवान की आधी थी। तो इसलिए साढ़े आठ। भोमासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने 20,000 लड़कियों को बंद करके एक साथ शादी करने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने सत्यभामा को लेकर के चढ़ाई की, भोमासुर ने 16,100 पिटरियां बंद करवाई थी, भगवान ने उसका वध किया। और जब सबको कैद से छुड़वाया, कहा अपने अपने घर जाओ, तो सभी लड़कियों ने कहा कि प्रभु हमारे कलंक लग चुका है, अब हमें घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। देव ऋषि नारद ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। भगवान बोले हाँ होता है, तो फिर बोले 16,100 से एक संग ब्याह करो। तो भगवान ने नारद के कहने पर 16,100 बिटरियन से शादी करी। सो कितनी हो गई? 16,100 साढ़े आठ। और सबके 10-10 लड़का, एक एक बिटिया पैदा हुई। तो भगवान कन्हैया की 16,180 बिटिया, 16,108 बिटिया थी, एक एक बिटिया पैदा भाई वो 10-10 लड़का, तो 161,080 लड़का थे। सवर्य मिला के 177,188 बाल बच्चा है। तो सबके एक एक बिटिया और 10-10 लड़का पैदा भाई। सो देखो है अहिरन में आज पहले से बिटिया की कमी चली आ रही, एक एक बिटिया
अदर दस लड़का वह तो मिट्टी ने कमी पहले से चली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने अपनी शादी की। आइए देखते हैं थोड़ी देर यानी कि सुदामा के बारे में।